हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगस्त महीने के पहले सप्ताह की करंट अफेयर्स। तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य हाल ही में तीन राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश, जो कि तीन राजधानियों वाला राज्य बना है। अब दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई का निधन हुआ है? तो इसका आंसर है ताइवान के राष्ट्रपति ली तेंग हुई का निधन हुआ है। अगले पे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर, हाल ही में कौन प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति सिंगापुर के विपक्षी नेता बने हैं? तो इसका आंसर है प्रीतम सिंह। अगले पर चलते हैं चौथा क्वेश्चन पर, हाल ही में कौन घरेलू रेटिंग एजेंसी ICRA के नए CEO बने हैं? तो इसका आंसर पीएम मोदी के निजी सचिव बने हैं। तो इसका आंसर होगा हार्दिक सचिव सतीश चंद्र, जो कि पीएम मोदी के निजी सचिव बने हैं। अब छठा क्वेश्चन है, प्रति वर्ष भारत में मित्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा अगस्त महीने के पहले रविवार को। अब सातवां क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 30 जुलाई को। 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, आठवां क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति परवेज खान का निधन हुआ है। तो वह कौन थे? तो इसका आंसर होगा फिल्म डायरेक्टर, वो एक फिल्म डायरेक्टर थे। अगला चलते हैं, नौवां क्वेश्चन है, हाल ही में किस बीमा कंपनी ने किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है नामक अभियान शुरू किया है? तो वह है भारतीय AXA बीमा कंपनी ने शुरू किया है। अब दसवां क्वेश्चन है, हाल ही में कौन पेटीएम मनी के नए CEO बने हैं? मतलब पेटीएम मनी के नए CEO कौन है? तो वह है अरुण श्रीधर। पेटीएम मनी के नए CEO अरुण श्रीधर हैं। ग्यारहवां क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय मूल की महिला को UN चीफ ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल किया है? तो वह है अर्चना सोरेंग को शामिल किया गया है। UN चीफ ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल किया है। अब बारहवां क्वेश्चन है, हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका उत्तर होगा शिक्षा मंत्रालय। अगले पर चलते हैं, तेरहवां कि हर वर्ष विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। अब चौदहवां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की प्रथम सौर ऊर्जा संचालित नौका ने गुस्ताव ट्रॉबी अवार्ड जीता है, जिसका नाम है आदित्या। अगला पे चलते हैं, पंद्रहवां क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने इंग्लिश प्रीमियर लीग में 2019-20 सीजन का गोल्डन बूट अवार्ड जीता है? तो वह है जेमी वार्डी। जेमी वार्डी ने इंग्लिश प्रीमियर लीग में 2019-20 सीजन का गोल्डन बूट अवार्ड जीता है। अब सोलहवां क्वेश्चन है, हर वर्ष विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 28 जुलाई को विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अब सत्रहवें क्वेश्चन पर चलते हैं, सत्रहवां क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में मौसम की सटीक जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो वह है मौसम ऐप। यहाँ पर लिखा गया है मौसम ऐप। मौसम की सटीक जानकारी देने के लिए केंद्र सरकार ने मौसम ऐप लॉन्च किया है। कौन व्यक्ति हाल ही में ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो वह है हिचेम मचीची, ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अब 19वां क्वेश्चन है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस
कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। अब 20वें क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में रोजगार बाजार नामक वेब पोर्टल शुरू किया है? तो है दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने रोजगार बाजार नामक वेब पोर्टल शुरू किया है। अभी कैसे चलते हैं। हाल ही में 27 जुलाई 2020 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? मैंने कौथावा, तो वह है 82वां। अब 22वां क्वेश्चन है, किस संस्थान ने हाल ही में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए बेली बंद नामक डिवाइस विकसित की है? तो वह है IIM कोझिकोड नामक संस्थान ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने हेतु बेली बंद नामक डिवाइस विकसित किया है। अगला चलते हैं। 23वां क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल की नर्स को हाल ही में सिंगापुर में राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है? तो इसका उत्तर होगा कला नारायण स्वामी को सिंगापुर में राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है।